हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता, मेरे चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं जो पैटर्न बनाने जा रही हूँ वो 12 का मल्टीपल है। उसके लिए मैंने 29 स्टिचेस डाले हैं और 29 स्टिचेस डालकर मैंने बॉर्डर बना लिया, सीधी सीधी सिलाई बुनकर। अब मैं पैटर्न शुरू करती हूँ। तो मैंने 3 फंदे शुरू में एक्स्ट्रा हैं, उनको मैं पहले सीधा बुन लूँगी। अब उसके बाद जो है धागा आगे ले जाकर 4 फंदे सीधे बुन लूँगी। दो, तीन और ये 4। अब उसके बाद 2 फंदे मैं सीधे यूं ही उठा लूँगी अपनी राइट हैंड वाली सिलाई के ऊपर और नेक्स्ट को मैं सीधा बुन लूँगी और जो 2 फंदे मैंने सीधे उठाए हैं उनको उसके ऊपर से फ्लिप कर दूंगी। अब उसके बाद फिर 4 फंदे सीधे बुनूंगी। उसके बाद धागा आगे ले जाके फिर 1 फंदा बुनूंगी और फिर धागा आगे ले जाके फिर 1 फंदा बुनूंगी और 4 फंदे जो है मैं सीधे बुन लूँगी। अब फिर 2 फंदे फिर मैं उठा लूँगी बिना बुने ही दूसरी सिलाई के ऊपर। अब उस नेक्स्ट को मैं बुनकर इसके ऊपर से फ्लिप कर दूँगी। अब फिर से 4 फंदे सीधे बुनूँगी और फिर धागा आगे ले जाके बाकी के फंदों को सीधा सीधा ही बुन लूँगी। लास्ट में भी 3 फंदे एक्स्ट्रा हैं और शुरू में भी एक्स्ट्रा हैं। अब अगली सिलाई जो नेक्स्ट है वो सारी उल्टी है और उसको मैंने उल्टा ही बुनना है। अब थर्ड सिलाई में सीधे से शुरू करेंगे। 3, 4 फंदे जो हैं वो सीधे बुन के धागा आगे ले जाके फिर अब 3 फंदे सीधे बुनूंगी। तीन, अब फिर 2 फंदे उठा लूँगी और अगला फंदे को बुन लूँगी और उसके ऊपर से फ्लिप कर दूँगी। अब फिर 3 फंदे सीधे बुनूँगी और धागा आगे ले जाके फिर अब सीधे बुनूंगी। 1, 2, 3, अब फिर धागा आगे ले जाकर फिर 3 फंदे सीधे बुनूंगी। अब उसके बाद 2 फंदे बिना बुने वैसे ही उठा लूँगी और नेक्स्ट को बुनकर उसके ऊपर से फ्लिप कर दूँगी। फिर 3 फंदे सीधे बुन लूँगी और 3 फंदे जो एक्स्ट्रा हैं उनको भी सीधा ही धागा आगे ले जाके उनको भी बुन लूँगी। इस तरह से ये थर्ड सिलाई पूरी हो जाएगी। 4th सिलाई सारी फिर उल्टी है। अब 5th सिलाई आ गई। सीधे पहले बुनूंगी 2, 3 और 1 और बुनूंगी। 4 सीधे हो जाएंगे। फिर धागा आगे ले जाके फिर 2 फंदे सीधे हो जाएंगे और फिर 2 फंदे मैं बिना बुने ही उठा लूँगी। नेक्स्ट को बुनकर उसके ऊपर से दोनों फंदों को फ्लिप कर दूँगी। अब फिर से 2 सीधे बुनूँगी और धागा आगे लाकर फिर मैं सीधे बुनूँगी 2, 3, 4, 5 और फिर धागा आगे ले जाके फिर 2 फंदे सीधे बुनूँगी।
फिर दो बिना बुने उठा लूँगी और एक नेक्स्ट को बुनकर उसके ऊपर से फ्लिप कर दूँगी। धागा आगे ले जाकर फिर मैं बाकी के सारे फंदे सीधे बुन लूँगी। नेक्स्ट सिलाई जो है वो सारी उल्टी होगी। अगली सिलाई में फिर से सीधे से शुरू होंगे, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, जिसमें से 3 तो एक्स्ट्रा हैं और 3 पैटर्न के हैं। अब धागा आगे ले जाके फिर मैं एक फंदा बुनूंगी और 2 फंदों को उठा लूँगी और एक फंदे को बुनकर उसके ऊपर से फ्लिप कर दूँगी। फिर एक फंदा बुनूंगी सीधा और फिर धागा आगे ले जाके 2, 3, 4, 5 फंदे, 6 और ये 7 फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे। फिर धागा आगे ले जाकर एक फंदा बुनूंगी और 2 फंदों को बिना बुने ही उतार लूँगी, फिर नेक्स्ट को बुनकर उसके ऊपर से फ्लिप कर दूँगी। फिर एक फंदा बुनूँगी और फिर धागा आगे ले जाकर सीधा बुनूँगी सारे फंदों को। नेक्स्ट सिलाई जो है वो उल्टी होगी। अब अगली सिलाई के अंदर 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे सीधे बुन के धागा आगे ले जाकर अब 2 फंदों को उठा लूँगी और एक फंदे को बुन लूँगी और ऊपर से उसके फ्लिप कर दूँगी। और फिर धागा आगे ले जाके फिर सीधे बुनने हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 फंदे। अब धागा आगे ले जाके फिर से 2 फंदों को उठा लूँगी और एक फंदे को बुन लूँगी और दोनों को उसके ऊपर से फ्लिप कर दूँगी। और फिर धागा आगे ले जाके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। नेक्स्ट सिलाई फिर उल्टी होगी। इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनके रेडी हो गया है। ये फ्रॉक्स में बच्चों की फ्रॉक है, स्कर्ट्स हैं, उसमें भी बहुत सुंदर लगता है, बॉर्डर में भी बहुत अच्छा दिखता है और आप स्वेटर में भी डाल सकते हैं और उसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन। आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दें।